हम सब की ऐसी इच्छा होती है कि हमारा चेहरा साफ सुंदर और चमकता हुआ नजर आए। हम किसी के सामने जाएं तो हम शरीर और चेहरे से इतने अच्छे दिखेंगे, हमारे व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक दिखाई दे। ऐसी हमारी सबकी इच्छा होती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमारे अनियमित जीवन शैली या हमारी कुछ लापरवाही की वजह से या हमारे कुछ बीमारियों की वजह से हमारे चेहरे की जो चमक है वो चली जाती है, और कुछ ऐसी चीज़ें हम चेहरे पे इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके कारण हमारा नेचुरल ग्लो है वो चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि हम व्यस्त जीवन शैली के कारण ध्यान भी नहीं दे पाते हैं इस पे, तो उस पे कई तरह के पिगमेंटेशन हो जाती हैं, रिंकल्स होती हैं, या चेहरा बहुत डल सा नज़र आता है। और कहीं जाना होता है तो हमारे इस चेहरे को लेकर के हमें बहुत ही मन में हिचकिचाहट महसूस होती है, एक आत्मविश्वास होता है वो डाउन हो जाता है। तो आज का अपना सेशन है वो है चेहरे से संबंधित, शरीर पे बात हम बाद में करेंगे, लेकिन चेहरा हमारा नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से बना हुआ कैसे रहे इस पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत। आज का हमारा सेशन है वो है डार्क सर्कल से रिलेटेड, आँखों के चारों तरफ जो काले घेरे होते हैं वो क्यों होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि उसके कारण जानेंगे हम। मैं मेरे हर सेशन में हर चीज़ के कारण बताती हूँ, सीधे ही मैं आपको सजेशन नहीं बताती हूँ या कोई प्राकृतिक उपाय नहीं बताती हूँ, क्योंकि कारण नहीं जानेंगे तो उन कारणों से हम रोज गुजरेंगे और उस चीज़ का हमें फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम कारण जानेंगे कि इसका कारण क्या होता है, ये डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं। और ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता है कि नेचुरल तरीके से हम किसी चीज़ को ख़त्म ना कर सकें। हाँ, वो चीज़ अलग होती है, आनुवंशिक होती है, या हम उसी चीज़ से वापस से गुजर रहे हैं तो हमारा वो जो समस्या है हमारी वो कम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे डार्क सर्किल्स क्यों होते हैं। डार्क सर्किल्स का कारण, सबसे बड़ा कारण जो होता है वो हमारी होती है अनिद्रा। अनिद्रा के कारण डार्क सर्किल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण भी डार्क सर्किल्स होते हैं। और थर्ड है कि जैसे हम धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं, धूप में बहुत ज़्यादा रहने की वजह से स्किन काली होती है और रिंकल्स भी आते हैं, पिगमेंटेशन भी होते हैं, स्किन बिल्कुल डल हो जाती है। या हम टीवी देख रहे हैं तो उस पे उसके बीच में और हमारे बीच में बहुत सारा गैप होता है जिससे आँखों पे और चेहरे पे कम असर होता है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है, मोबाइल स्क्रीन होती है, उसकी जो रेज होती हैं वो सीधे चेहरे पे आती हैं, और लाइट की वजह से, हम सबको पता है कि लाइटनिंग की वजह से चेहरा काला होता है, और इसकी स्क्रीन की वजह से आंखों के काले घेरे हो जाते हैं, क्योंकि आंखों को प्रॉपर कई बार रेस्ट नहीं मिल पाता है, थक जाती हैं। थकने के कारण हमारे आंखों की रोशनी होती है वो तो जाती ही जाती है, लेकिन आंखों में एक उदासी सी महसूस होती है, यानी कि डलनेस महसूस होती है, और धीरे धीरे जो होती है वो आंखों के चारों तरफ काले घेरे होते जाते हैं। मेन रीजन यही है। फिर जो सॉलिड रीजन है वो है आनुवंशिक भी होता है, और बढ़ती उम्र के कारण हमारे हार्मोन चेंज होते हैं तो भी होता है। तो जी जो ये मतलब एक वृद्धावस्था वाली एज में जो सब कुछ होता है उसको हम ना बदल सकते, ना ही हम आनुवंशिक वाली चीज़ों को बदल सकते। बाकी जो अदर कारण है, हमारे दूसरे कारण हैं, उनको हम बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसने बनाया, हमें प्रकृति ने बनाया, और हम बाहर की चीज़ों को या बाहर की ऐसी केमिकली युक्त चीज़ों को हमारे चेहरे पे लगाएंगे तो उससे क्या होता है, हमारे चेहरे की चमक चली जाती है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊंगी, एक कपड़ा होता है, मार्केट से खरीदते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको बार 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 वॉश करते हैं तो उसकी वो चमक चली जाती है, जैसा हम नया खरीदते हैं वैसा नहीं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसको वॉश करने से वो एकदम से फर्स्ट टाइम में फेड हो जाता है। यही सेम सिचुएशन हमारे शरीर के साथ में है। जैसे बच्चा पैदा होता है वो कितना सॉफ्ट, कितना चेहरा क्लीन होता है और कितना वो सफ़ेद होता है, फिर धीरे 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 हमारे ऊपर कालापन चढ़ जाता है, क्योंकि हम पॉल्यूशन के, खाने पीने के और इस तरीके की जीवन शैली हमारी हो जाती है, और चेहरे को सुंदर बनाने के लिए हम तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो हमारी स्किन को डल कर देता है। तो इसके लिए हम प्राकृतिक उपाय करेंगे। प्राकृतिक उपाय से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि आपको प्राकृतिक उपाय तभी काम करेंगे जब आपकी नींद पूरी करें आप,
संतुलित आहार लें, यानी कि खाना लें, जो मैं मेरे हर सेशन में बताती हूँ, यानी कि आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, आपको नींद पूरी करनी है। यदि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर रहते हैं तो आपको अच्छे चश्मे का इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी आंखों पे असर ना हो, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा 1 फीट की डिस्टेंस लेकर के आप काम करें। योग और प्राणायाम। डार्क सर्कल्स का सबसे बड़ा प्रभाव होता है डार्क सर्कल्स पे, वो योग और प्राणायाम से भी होता है। चेहरे पे पूरे पे चमक आती है, जिससे मतलब पिगमेंटेशन होती है, रिंकल्स होती हैं, या एक उदासी होती है, डलनेस होती है चेहरे पे, वो भी चले जाते हैं। प्राकृतिक जो नेचुरल जो अपन पोता पोती ऊपर करते हैं या अपन फेस पैक लगाते हैं, उसका असर तो बाद में करता है। पहले हमें आंतरिक रूप से किस तरीके से अपने आप को बदलना है, या आंतरिक रूप से किस तरीके से स्किन पे ग्लो लाएं, तो उस चीज़ का उपाय करना है। तो आंतरिक रूप से मैंने बताया कि आपको खाना अच्छा लेना है, नींद पूरी करनी है, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो उस तरीके से आप अपने आहार लें। विटामिन ई, ए और सी, ये तीनों विटामिन्स होती हैं, आँख, बाल और अपनी स्किन के लिए, सबके लिए अच्छी रहते हैं। तो इनका आप भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें खाने में, और योग क्रियाओं को अपनाएं। योग क्रियाओं में आपको मैं बताऊंगी प्राणायाम। प्राणायाम में आपको करना है कपालभाति। कपालभाति का मतलब क्या होता है? कपाल मतलब क्या होता है? माथा, सिर, जो ये माथा ललाट होता दिखता है हमारा। भाति मीन्स क्या होता है? चमक, यानी कि आपके माथे की चमक। कपालभाति, आप अगर अकेला कपालभाति भी आप करते हैं तो आपके चेहरे पे चमक आती है, आपके शरीर में तो चेंजेस आते ही आते हैं, आपके चेहरे पे चमक आती है। 15 से 20 मिनट भी आप करेंगे डेली अकेले कपालभाति को, तो भी आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी। दूसरा प्राणायाम है शीतकारी और शीतली प्राणायाम। तीन प्राणायाम अगर आप करते हैं, ज़्यादा समय नहीं है, तो एक कपालभाति प्राणायाम को भी आप लंबा टाइम दे करके एक के साथ में भी आप अपने चेहरे पे चमक ला सकते हैं। बाकी अगर तीनों करने का आपको समय मिलता है तो आप तीनों कीजिए। और ये जो कपालभाति होती है वो तो खाली पेट सुबह सुबह करना होता है, और भ्रामरी शीतली और शीतकारी प्राणायाम है वो चाहे आप शाम शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि कपालभाति में सब पेट का रोल सबसे ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आपको खाली पेट होना ज़रूरी है। अब इसके अलावा हम चेहरे को बाहरी तौर पर क्लीन कैसे कर सकते हैं, और सफाई और उससे चेहरे पे चमक कैसे ला सकते हैं, जो अपने घरेलू नुस्खे या उपाय करके, मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, रिंकल्स वाले सेशन में भी, कि जैसे अपने आँखों पे काले घेरे होते हैं तो खीरा होता है, तो खीरे को आप आँखों पे रखिए, और खीरे का कद्दूकस निकाल करके उसको मैश करके और उसको चारों तरफ आप लगाइए, क्योंकि खीरे में क्या होता है, एक नेचुरल स्किन को वाइट करने का एक क्वालिटी होती है, तो वो आप लगाएंगे पूरे फेस पे, तो उससे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, आँखों को ठंडक प्रदान करे। इसके लिए आप चेहरे पे स्लाइस को रख सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जैसे आलू का और खीरे का मिक्स करके भी लगा सकते हैं। एक जो अपना एलोवेरा होता है, ओरिजिनल मिले तो बहुत अच्छा है आपको, ओरिजिनल का निकालें आप गुद्दे का रस, और उसके अंदर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हल्दी और शहद भी मिला सकते हैं। हल्दी शहद का प्रयोग करके आप लगाएं, किसी भी चीज़ को कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं, 10 या 12 ही बोलूँगी मैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि फिर इचिंग सी होने लग जाती है, इसलिए आपको 10 से 12 मिनट लगानी है। और खासकर आप कोई भी फेस मास्क लगाएं तो उस समय पे आप बोले नहीं, क्योंकि स्किन है वो खींचती है, धीरे धीरे वो सूखने लगता है, तो स्किन खींचती है और इस तरीके से रिंकल्स पड़ सकते हैं, तो बोले नहीं। और 10 से 12 मिनट रख करके आप उसको क्या करें, वॉश करें। पपीते का आप पका हुआ पपीता होता, अच्छा पका हुआ, और उसको कद्दूकस कर करके या मैश करके उसको भी आप शहद या हल्दी उसमें कच्चे दूध में मिला करके आप अपना फेस पैक बना करके लगा सकते हैं। इसके अलावा बनाना होता है, बनाना को भी आप लगा सकते हैं। यदि स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा रहती है तो आप हर फेस पैक में थोड़ा सा नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑयली नहीं है तो शहद इस्तेमाल करें। और इससे पहले अगर नारियल तेल आपको रात को अच्छे से आपको फेस पे सिर्फ और सिर्फ नारियल तेल का इस्तेमाल करना है, नारियल तेल में भी स्किन को सफ़ेद करने का एक खास गुण होता है,
और नारियल खाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। उसको आप अपने चेहरे पे लगाएं, अच्छे से मसाज करें। इसके अलावा मैंने आपको वो बताए हैं, फेस एक्सरसाइज बताए हैं जो ग्लो लाते हैं और रिंकल्स और टाइटनिंग लाते हैं फेस पे। उसको भी आप रोज, जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई सुबह का समय निर्धारित है, ऐसा कुछ नहीं है, शाम को भी आप कर सकते हैं, दोपहर को भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खान पान, आपकी दिनचर्या और आपका संतुलित आहार। ये सब सबसे बड़ा मेन रोल है। मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि ऐसे घरेलू नुस्खे करने से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका चेहरा चमकेगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना, खाना अच्छा लेना है और योग प्राणायाम को इसलिए अपनाना है कि आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो रहता है।